हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आप सबका फिर से मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो आज दिन है बुधवार और आज मैं बाल में शैम्पू करके ना आई हूँ, क्योंकि गुरुवार के दिन हम लोग बाल में शैम्पू नहीं करते हैं, कपड़ा भी नहीं धोते हैं। तो आज बहुत सारा कपड़ा भी धोना है, दो दिन से जमा हो गया है। और अंशु स्कूल गया है और आरव इधर पूरे घर में लहसुन फैला दिया है, सब मुझे चुन के उठाना है। और आरब भी नहा लिया है, जो भी कपड़ा है अब सब जा रही हूँ मैं धोने। तो अभी से मैं अपना ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। और जो भी मेरे चैनल पे न्यू आए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं किचन में, हम लोग की ड्यूटी तो किचन से ही शुरू होती है। और इधर इसको देखिए कितना काम कर रहा है, बेचैन है काम से। तो फ्रेंड्स, आ गई हूँ किचन में और इसमें दाल बन गया है और इसमें थोड़ा सा पानी चढ़ाई हूँ गरम पीने के लिए, प्याज लगा हुआ है। नाश्ता हम लोग यही हलवा बचा हुआ था जो दो दो पीस खाए हैं और इतना बच ही गया है। तो इसको खाली करते हैं पहले दाल और इसमें साग बनाएंगे। तो साग इधर पानी में डाल के रख दिए हैं। पानी में डालने से जो भी इसमें का मिट्टी होता है नीचे बैठ जाता है और आराम से साफ हो जाता है, साग किन किन भी नहीं रहता है। तो आप लोग सोच रहे हो कि डेली साग खाती है, तो फ्रेंड्स मतलब कि दो दिन एक दिन आधा बना और बच जो गया था वो बचा हुआ था, तो आज सोचे बना लेते, नहीं तो खराब हो जाएगा। और साग खाना ही चाहिए और मुझे तो अच्छा लगता है, मेरे घर में सभी को पसंद है, इसीलिए बनाती हूँ। और बनाना भी बहुत ईजी है। तो आज मैं साग कैसे बनाती हूँ आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगी, तो आप लोग ऐसे ही ब्लॉग पे बने रहिए। तो अब साग बनाना शुरू करते हैं। साग भी इधर धो के रख लिए हैं, थोड़ा सा आलू काट लिए हैं और इधर हरा मिर्च और तीन चार लहसुन की कलियां और इधर कुकर भी चढ़ा दिए हैं। आलू डालने से क्या होता है, साग में पानी बहुत जल्दी सूख जाता है और टेस्ट भी बढ़ जाता है और अच्छा भी लगता है। आप आलू नहीं डालिएगा तो ये थोड़ा सुखाइएगा, फिर भी ये थोड़ा सा ना पानी पानी जैसा रहेगा। तो चलिए करके आपको बैक कमरा से दिखाते हैं। तो सबसे पहले तेल डाल देंगे, साग में तो कम ही तेल लगता है और साग भी कम है, तेल गरम होने देते हैं। तेल गरम हो चुका है, अब इसमें डाल देंगे मिर्ची, लहसुन और हरा मिर्च। इसे हल्का ब्राउन कर देंगे, हल्का ब्राउन हो चुका है, अब इसमें डाल देंगे आलू। आलू भी फ्राई हो चुका है, अब इसमें डाल देंगे कछुआ साग। और फ्लेम को कर देंगे कम, ठीक आ गया, फ्लेम को कर देंगे कम, इसको थोड़ा गलने देंगे। तब तक इधर जो भी लहसुन छीटा है कुछ वो हम चुन के उठा लेते हैं। साग गल गया है, देख सकते कुकर भर गया था, अभी पूरा आधा हो गया है। अब इसे पलट देंगे, इसमें
नमक डाल देंगे। साग में देख सकते हैं पानी छोड़ दिया है, थोड़ा सा ही नमक डालेंगे क्योंकि साग बहुत कम है, गल गया पूरा। और अब कुकर के ढक्कन को बंद कर देंगे, 5 से 6 सीटी लगा लेंगे। कुकर बंद, सीटी भी ले रहा है, 5 से 6 सीटी ऐसे ही छोड़। और जब तक साग बन रहा है तब तक इधर मशीन लगा लेते हैं, कपड़ा भी धुल जाएगा। तो चलिए चलते हैं। Thank you.
इधर देखो चाय टाटा टाटा चार से पांच सीटी लग चुका है और इसका सीटी भी निकल गया है तो खोल के दिखाती हूँ। साग अच्छी तरह से पक गया है तो फ्लेम को कर देंगे हाई और ऐसे ही चलाते हुए पानी सुखा लेंगे। ऐसे करके अच्छी तरह से मिला लेंगे तो देख सकते हैं कितना अच्छा से मिल गया है। ऐसे ही चलाते हुए एकदम अच्छी तरह से सुखा लेंगे तभी साग टेस्टी लगेगा। अभी थोड़ा और सूखेगा जब नीचे से सटने लगेगा तो छोड़ देंगे। हमारे मायके में तो खेत में ऐसे ही साग होता है, बथुआ वाला लगाना ही नहीं पड़ता है। आलू का फसल में बहुत सारा होता है, मायके में मेरा कभी साग खरीदा के नहीं आया है, लेकिन मेरे ससुराल में वहाँ पटना में भी देखते हैं साग खरीद कर लाते हैं तभी खाते हैं। और यहाँ तो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है तो लाते ही हैं, हर सीजन में लाते हैं। विंटर सीजन में ही बथुआ साग मिलना शुरू होता है। देखिए ऐसे ही चलाते हुए सुखा लेंगे। हम कभी सोचे भी नहीं थे कि हम बथुआ साग खरीद कर खाएंगे। तो ऐसे ही करते हुए सूख ही गया है, थोड़ा सा और सूखेगा तो बन गया है साग। आप लोग कैसे बनाते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, लाल साग बनाती हूँ तो उसमें कुछ भी नहीं डालती हूँ, सिर्फ लहसुन सूखा मिर्च नमक तेल बस, आलू नहीं ऐड करती हूँ, बस ये बथुआ के साग में ही आलू ऐड करती हूँ। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग साग कैसे बनाते हैं। अभी हम जा रहे हैं छत पे थोड़ा देर के लिए, सो के आने में आधा घंटा टाइम है तो कंघी भी लेके जा रहे हैं, बाल भी झाड़ेंगे और एक कपड़ा भी डालना है। आरा भिंगा लिया था, उधर कंघी है, आरा का नाक साफ करने के लिए रुमाल है, इधर एक कपड़ा है। चलिए छत पे, बहुत धूप है, अच्छा लग रहा है। तो अब जा रहे हैं नीचे, अंशु का आने का टाइम हो गया है और चावल भी चढ़ाना है तो चलिए चलते हैं अब नीचे। और अब इधर जाएगा नीचे क्योंकि बहुत तेज धूप है। चलिए चलते हैं। और आपको नहीं जाना है घर के अंदर, बैठ के साइकिल में बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो, घंटी बजा दो। तो चलो चलते हैं, जो भी होगा काम जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं, पूरा अंधेरा हो गया, मशीन भी बंद हो गया है चल के। तो ये है आरब का खाना, खाना बन गया है, दाल चावल और गरम पानी।
तो आरब को खिलाने के बाद आप सबसे मिलती हूँ। तो अभी कपड़ा धोना कंप्लीट हुआ है, हम लोग खाना पीना खाने लगे थे, छोड़ दिए थे सब। तो देखिए ऐसे भी आज छत में जगह नहीं है, कल सुबह डालेंगे। अंशु भी स्कूल से आ गए हैं, ड्रेन हो रहा है, उसके बाद जो भी होगा ऐसे बाल्टी में निकाल के रख देंगे कपड़ा, और कल सुबह सुबह जाके डालेंगे क्योंकि आज छत में जगह नहीं था। और अभी देखिए टाइम हो गया है 3:15 लेट है, तो अब कपड़ा वपड़ा सब निकालने के बाद मशीन को जगह पे रख देंगे, उसके बाद हम लोग सोएंगे। फ्रेंड्स आज मैं अपनी वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, वीडियो पसंद आए तो शेयर करना मत भूलिएगा, आपकी एक शेयर से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। और फिर मिलती हूँ एक अच्छा सा ब्लॉग के साथ, तब के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।